जय श्री राम, जय जय साईं राम, जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ 20 अगस्त 2023 सावन का दान तथा साथ में बताने वाला हूँ रविवार का उपाय। आप जानते हैं कि सावन के सभी मैंने आपको दान बताए हैं और जब तक सावन रहेगा सभी दान बताता रहूँगा। और जो हम सभी राशियों के व्यक्ति एक उपाय करते हैं जिससे हमारे नवग्रह उच्च के रहें, उनकी डिग्री ठीक रहे और हमारी जिंदगी में हमारे परिवार को लाभ मिलता रहे, उसके लिए एक उपाय मैं अवश्य बताता हूँ। प्रतिदिन बहुत सालों से बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रतिदिन ये उपाय करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं इन उपायों का लाभ क्या है। इन उपायों का लाभ ये है कि आपका ग्रह खराब है या आपका ग्रह अधिक तेज है या आपके ग्रह को दूसरे ग्रह की मदद चाहिए, उन सब का समाधान हफ्ते में एक बार उस ग्रह का उपाय करने से हो जाता है। इस प्रकार हम प्रतिदिन एक उपाय करते हैं तो उनसे हमारे टर्न वाइज बारी बारी से सभी ग्रह सही दिशा में रहते हैं, सही डिग्री में रहते हैं। तो सही डिग्री में जब ग्रह रहेगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए प्रतिदिन उपाय बताता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रविवार के उपाय की और साथ में सावन के दान की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार का उपाय सूर्य को बलि कर देता है और जब सूर्य बलि होते हैं तो इज्जत मान बहुत बढ़ता है, तो इसलिए सूर्य का उपाय करते रहना चाहिए। परंतु यदि सूर्य की डिग्री बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर का रोग हो सकता है, नमक अधिक लग सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इज्जत का हानि हो सकता है। तो अब हम लेकिन जब आप ये उपाय करते हैं तो वो डिग्री भी बढ़ती नहीं। सबसे पहले सावन का आपको दान बता दूं। सावन का जो आज का दान है वो दूध है, दूध, मलाई युक्त दूध। यानी यदि आप गर्म करते हैं तो उस पर से मलाई मत उतारिए, और यदि कच्चा दे रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं। साथ में चीनी, ये ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए दीजिए, इससे शिव आज बहुत प्रसन्न हो। और रविवार के उपाय में आज आप गुड़ दान कर दीजिए। गुड़ का दान करेंगे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होंगे, तेजी से आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।